मध्य प्रदेश में सत्ता के सियासी घमासान के बीच भाजपा और कांग्रेस के विधायक रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। कांग्रेस ने होटल मैरियट में विधायकों को ठहरा रखा है। दूसरी तरफ भाजपा ने अपने विधायकों को ग्रेसियस रिसोर्ट और क्रिसेट रिसोर्ट में रखा है। ग्रेसियस रिसोर्ट में 50 और क्रिसेट रिसोर्ट में 4 कमरों को बुक कराया गया है। सोमवार शाम भाजपा के 100 से ज्यादा विधायक दिल्ली जाने के लिए भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन तभी राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से 17 मार्च को ही फ्लोर टेस्ट कराने को कहा था। इस वजह से भाजपा ने अपने विधायकों को एयरपोर्ट से 2 अलग अलग रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया। शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्र यहां रात भर रहे। शिवराज सुबह 11:15 पर होटल से बाहर आए। उन्होंने कहा कि अल्पमत की सरकार निर्णय कैसे ले रही है, इस पर ताजुब हो रहा है। तबादले हो रहे हैं, आयोगी के नियुक्तियां हो रही हैं, ये चला चली की बेला है। हम रायपाल से मुलाकात कर इन फैसलों पर विरोध दर्ज कराएंगे। शिवराज ने ग्रेसियस रिसोर्ट में विधायकों के साथ बैठक ली और बताया जा रहा है कि इसमें उन्होंने भाजपा की अगली तैयारियों के बारे में चर्चा की। भाजपा के विधायक जिन दो रिसोर्ट में ठहरे हैं उन दोनों रिसोर्ट में करीब 5 किलोमीटर की दूरी है। सुबह करीब 11 बजे क्रिसेट रिसोर्ट से बाकी विधायकों को भी क्रिसेस रिसोर्ट बुला लिया गया। यह विधायक 2 गाड़ियों में पहुंचे। इनके साथ इंदौर के विधायक रमेश मदोला और पूर्व मंत्री जगदीश देवड़ा हैं। बाहर मीडियाकर्मियों से बातचीत में रमेश मदोला ने कहा कि हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। बेंगलोर के सभी विधायक साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से है, इस सरकार के खिलाफ है। बहुमत हो तो भाग क्यों रहे, फ्लोर टेस्ट से डरते क्यों हो, ये टाइम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव प्रलोभन देके ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार बच जाए, लेकिन अब ये सरकार बच नहीं सकती। लेकिन मुझे आश्चर्य है, ये अल्पमत की सरकार रोज फैसले कर रही है, महिला आयोग की अध्यक्ष बना दी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.